साहिब जी तेरे कमल कमल गुण कह कह गावा तू साहिब गुणे निधाना तुमरी महिमा वर्णना सको तू ठाकुर भगवाना सुख हो टल गुरु सेविया अहम सुसैन सुभाए दर्शन पर स्वयं गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी महला दूजा जिंदे थारो दिता चंगा मन मुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आख बखानिए दे दे थावो दिता चंगा मन मुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आख बखानिए अंतर बह के कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे पाप कमाणे पापी जानिए तू आपे खेल करन सब करते क्या दूजा आख बखानिए जिचर तेरी जोत चिचर ज्योति विच तू बोलै विण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणिए नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुजाणिए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोलै विण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणिए नानक गुरमुख नदरी आया हर एक सुगण सुजानिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान जो गुरु सवारी सत्संगी जनों आप आशा जी के द्वारा जी की संसारण कर सेवा द्वारे संसार भाई अजीत सिंह भाई गुरदेव सिंह भाई अजीत सिंह जी हम समा करके सभावन स्थान की मर्यादा अनुसार चल रहे जड़ी बार गुरु शब्द जी विचार अच्छा अज की सेवा द्वारे हम सत्कार संसार
ज्ञानी बलदेव सिंह जी हर ग्रंथ जी गुरद्वारा नानक प्यो साहब आओ बड़े प्यार सत्कार सत सतगुरु जी ने योज बैठ करके इस पावन शब्द के विचार श्रवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। सतनाम वाहेगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद ज्यों बुलावो त्यों बोलें स्वामी कुदरत कमन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ग्यारह जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र पावन हजूरी अंदर विराजमान परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी आप जी वडभागे हो गुरु साहब जी की पावन हजूरी अंदर बैठ करके आसा दी वार दा कीर्तन सरवण करते हुए अपना जन्म सफल बना रहे हो। सारे मिल के बड़े प्यार सत्कार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल इस पावन स्थान दे ग्रंथी साहब पासों सत्कारयोग भाई कुलबीर सिंह जी पासों आप जी ने पावन शलोक का मूल पाठ सरवण किया है। ये श्लोक माझ राग दी वार दे विच श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की उचारी हुई ये पावन वार है। इस वार दी दूजी पौड़ी का दूजा श्लोक है। पहले श्लोक दी विचार आप जी ने कल सरवण की जो गुरु नानक देव जी महाराज का उचारिया होया जेड़ा आज दा श्लोक है ये धन धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी का उचारिया होया। त्रेठ श्लोक श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी दे हन। वारां दे विच इत्थे जो उपदेश गुरु साहब जी दे रहे हन इस पावन शब्द नाल जुड़ के पावन उपदेश नूं हिरदयां विच वसाइए। मन बिरतियां एकागर करो ध्यान गुरु चरणां विच जोड़ो एक वार उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। गुरबाणी दे विच जिथे गुरमुख की गल की गई उथे नाल नाल मनमुख की भी गल की गई है। गुरमुख वह है जिहड़ा गुरु के अनुसार चलता है, गुरु के उपदेश अनुसार अपना जीवन ढालदा है, गुरु गुरु करदिआं जीवन बसर करदा है। ते मनमुख वह है जिहड़ा मन के पिछे चलदा है, मन के पिछे चलदा है, जिहड़ा कदी गुरु की शरण विच नहीं आउंदा, जिहड़ा कदी नाम के नाल नहीं जुड़दा। जिहड़ा मन के पिछे चलण वाला उन्हों मनमुख कहा है, वह गुरु वालों बेमुख हुंदा है।
और जेड़ा गुरु दे अनुसार चलन वाला उन्हों आख्या गुरमुख, गुरु दा अनुसार ही होके चलता है, गुरु दी शरण विच रहिंदा है। जदों दोहां दी गल करिए ते गुरमुख लाह लै गए मनमुख चले मूल गवाए जीओ। गुरमुख लाह लै के संसार तो जांदे ने ते जेड़े मनमुख ने अपना मूल भी गवा के जांदे ने। हुण मूल की है? मूल है जिहड़े परमात्मा ने सवास दे के भेजे, बड़े कीमती ने, हीरे मोतियां नालों भी कीमती, जिहड़े सानू सवास दिते ने, सानू साह दिते ने, बड़े कीमती है। आ पिछे जे इहदी कीमती जो साडे सामने आया करोना काल दे विच, जदों बाहरों साह लैण दी लोड़ पई ना, ते फिर इहदी कदर कीमत दा पता लगा भी रब ने जिहड़े सानू सवास दिते ने वो बड़े कीमती ने। लोकां ने रेट वधा दिते ऑक्सीजन दे। मैं अगे भी एक दिन बेनती की सी, आने वाले समय विच ये लिखिया जाना है, ये इतिहास लिखिया जाना है कि एक समय भयानक बीमारी आई सी, ते उस वेले उन्हां दा नाम ही लिखिया जाना है जिन्होंने रेट वधा दिते ऑक्सीजन दे सिलेंडरां दे, दुगने चौगने कर दिते। ते उन्हां गुरमुखां दा भी नाम लिखिया जाना है जिन्हां ने ऑक्सीजन दे लंगर ला दिते सन कि खाली सिलेंडर सानू दे जो ते भरिया लै जो। वो कौन सन? वो सन गुरमुख। ते जिन्हां ने मन दी गल मन्नी, मन ने आख्या वेला ही कमाई कर लै, उन्होंने कमाई की। उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा मनमुखा नू कि कोई मरदा वा मरे, बस उन्होंने अपने मन दी गल मननी। उदों पता लगा भी रब ने ते बड़ी कृपा की सानू, ये रोज़ साह दे रहा है। तुसी देखदे कोई मरीज हॉस्पिटल विच होवे ते उन्हों जदों बाहरों साह मशीन दे राही बना के देन दी गल आउंदी है, ते जिन्ना घंटे वो सानू ऑक्सीजन देंदे ने उन्ना ही वड्डा बिल बना के साडे हाथ च फड़ा देंदे। रब ने कदी बिल नहीं मंगिया। की मंगदा है? कि प्यार दे नाल मैनू याद कर लै। ये भी लालच ने उन्हों कि जिन्हों मैं देना वा वो मेरी सिफत करन। पर साडा फर्ज बनता है कि जदों असी उहदा दित्ता होया खाने ते फिर सानू उहदा धन्यवाद भी करना चाहिए, शुकराना करना चाहिए। गुरु अंगद देव जी महाराज ये गल समझाउंदे ने महला दूजा, देंदे थामों दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए। मनमुख की है? मनमुख का सुभा किदां दा हुंदा है? कहिंदे मन दे पिछे तुरन वाला जिहड़ा मनुख है वो इदां दा समझ लो। मनमुख ऐसा जानिए, इदां दा है मनमुख। आख्या किदां दा है? कहिंदा उसनू देन वाले परमात्मा नालों उहदा दित्ता होया जिहड़ा पदार्थ है वह चंगा लगता है। उन्हों देन वाला चंगा नहीं लगता, जिहड़ा पदार्थ दिता होया ना वो चंगा लगता है। एक थां ते पंगती आउंदी है, कीते कहो मेरै समानै करन हार त्रिन जानै, तू दाता मांगन कहो सगली दान दे प्रभ भानै। कीते कहो मेरै समानै, जिहड़ा उहदा कीता होया भाव उन्हें सानू पुत्र दिता है ना, ये परमात्मा का किया हो। जड़ा परमात्मा का किया हो उस पुत्र नू
असी समेर पर्बत की तरह उछाल उछाल के लोगों नूं दसदे ये मेरा पुत्र है, बड़ा सियाणा है, बड़ा लायक है, पर जिन्हें दिता है करन हार त्रिन जाने त्रिन कहिंदे घा दा तिनका। देखो हुण एक बन्ने समेर पर्बत की तरह उहदी दात नूं उछाल उछाल के दसिया ते जिन्हें दात दिती है जे किते उहदा धन्नवाद कीता पहली गल ते करदा नहीं बंदा, जे कीता ते उह इक तिनके समान कीता। ऐसा है मनमुख। बहुतात दे विच असी जिहड़ा मन दे पिछे जदों लगे हुंने आ ते साडी गिणती भी मनमुखां विच ही हुंदी। जदों असी गुरु की गल मन के गुरु के अनुसार हो के जीवन जी रहे हुंने आ फिर असी गुरमुख कहाउने आ। ते मनमुख का यह सुभा मनमुख इदां दा है कि परमात्मा का धन्नवाद नहीं करता, उहदे दिते हुए पदार्थ नाल ही खेडी जांदा है, पदार्थ नाल ही खेडी जांदा है। हुण एक छोटा जिहा बच्चा हुंदा है वह खिडौने नाल खेडदा जरूर है पर माँ बाप सामने हुंदे ने फिर उहनां दी छतर छाया हेठ रह के खिडौने नाल भी खेड लैंदा है पर सुरत उहदी अपने माँ बाप विच हुंदी है। मैं उदाहरण दिया, एक बच्चा अपनी माँ दे नाल मेले गया, मेले दे विच बड़ी भीड़ सी ते इत्थे एक सिखण योग गल ए है कि जदों भी कदी असी गुरद्वारे जां मेले विच जाइए जदों गुरपुरब हुंदे ने उदों जाइए बच्चे नूं उंगली फड़ाउण दी जगह बच्चे दा गुट फड़ के रखो, क्योंकि बच्चे दी हाथ विच इन्नी ताकत नहीं हुंदी उदों कि उह इन्नी घुट के तुहाडी उंगल पकड़ लेगा कि भीड़ आवे तो उह नहीं छड्डेगा। कहिंदे भीड़ आई तो बच्चे तो माँ दी उंगल छुट गई, हुण माँ वख हो गई तो बच्चा वख हो गया। तुसीं तरन तारन साहिब जाओ ना, मस्सिया वाला दिन होवे तो इन्नी भीड़ हुंदी है कि तुसी जदों पौड़ियां दे विच लाइन च लग जाओ तो फिर दो की हल्ले होने ने ते तुसी मेन गेट कोल पहुँच जाना है, कई बारी तो पैर भी थल्ले नहीं लगता। बच्चा वख हो गया, माँ वख हो गई तो बच्चा हुण रोण लग पिया। तो जदों गुरपुरब हुंदे ने मेले हुंदे ने ते दुकानां भी बड़ियां लगियां हुंदियां, हुण बच्चे नूं चुक के सियाणे लोग जिहड़े सन ओह मठियाई वाली दुकान ते लै गए। कहिंदे बेटा मठियाई लै लै, तेरी माँ हुणे आ जाएगी। यही बच्चा जिहड़ा सी ना जदों माँ दे नाल आ रहा सी ते माँ नूं कह रहा सी माँ मैनूं मठियाई लै के देगी, उह कहिंदी हाँ पुत जरूर लै के देवांगी। कहिंदा मैनूं खिडौना लै के देंगी, कहिंदी पुत जरूर लै के देवांगी। हुण माँ विछड़ गई है, माँ नाल हुंदी उहनूं मठियाई भी चाहीदी सी उहनूं खिडौना भी चाहीदा सी। हुण मठियाई वाली दुकान ते लै के आ गए, कहिंदे पुत मठियाई खा लै माँ हुणे आ जाएगी। उह कहिंदा मैनूं मठियाई नहीं चाहीदी, मैनूं मेरी माँ चाहीदी है। फिर खिडौणियां दी दुकान ते लै गए, कहिंदे पुत खिडौना लै लै खेड लै हुणे तेरी माँ आ जाएगी। कहिंदा मैनूं खिडौना नहीं चाहीदा, मैनूं मेरी माँ चाहीदी है। साडे नालों उह बच्चा चंगा, असी ते पदार्थ रूपी खिडौणियां नाल ही खेडण लग पए। जिहनूं असी बाणी विच पढ़िया ना तूं मेरा पिता तूं है मेरा माता, जिहनूं पिता कहा जिहनूं माँ कहा आ खिडौणियां नाल खेडण लग पए ते उहनूं भुल ही गए। वह बच्चा तो कह रहा मैनूं मेरी माँ मिला दिओ, मैनूं मेरी माँ चाहीदी है। पर साडी सोच विच ये गल नहीं आउंदी जदों असी पदार्थां विच ही परचे हुंदे हां।
कहिंदे मनमुख ऐसा है ਉਹ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਾਈ ਵੰਸ਼ ਘਾਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰੇ ब्राह्मण नू मारना ते गऊ नू मारना अपराध मन्या गया बड़ा वड्डा पाप मन्या गया गऊ हत्या पाप मन्या गया बहुत वड्डा ते ब्राह्मण ब्राह्मण वो गुरमत अनुसार कि जेड़ा उस ब्रह्म दे नाल मिलिया होया जिन्हें सुरत जोड़ ली जेड़ा उस रब नू हर एक थां ते देखदा है भी सामने वाले दे विच भी रब है मेरे अंदर भी रब है ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪੀ ਮਦ ਜੂਆ ਖੇਲ ਦੇ ਜੋਹਨ ਪਰ ਨਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਮੋਹਨ ਪਰਾਈ ਲਛਮੀ ਠੱਗ ਚੋਰ ਚਗਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾ ਪੁੱਜਣੀ ਬੇਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਤਲੂਏ ਨਾ ਪੁੱਜਣੀ ਬੇਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੂੰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨਮੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਅਜਿਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰਹੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਪਰ ਮਨਮੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੇਲਾ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮਤ ਨੂੰ ਭੇਡ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ
ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਪਰੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਇੱਥੇ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੇ ਨਿਤ ਭੇਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਸੋਚੋ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੁਕ ਕੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੁਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਖੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖੇਗਾ। ਭਾਵ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੁਕ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥੀ ਉਹ ਸੁਲਝ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਖਰਚਾ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
बारहवें दिन तो कमाई करनी है, सारा दिन खपना ही, उत्थे तू बैठा रहना आराम दे नाल, ऐदां दे लालच दे के अपना ककर्म दूजे दे उत्ते पा दिता जांदा है। पर रब दे घर विच ऐसा नहीं हुंदा, उत्थे ते जिन्ने ककर्म कीता है, जिन्ने पाप कीता है, उसे नूं ही सज़ा मिलदी है, दूजे नूं नहीं मिलदी। जो धर्म कमावै तिस धर्म नाउ होवै, पाप कमाणे पापी जाणीऐ। जिहड़ा धर्म कमाउंदा है, कुदरत दा इह नियम है कि जो मनुख भला कम करदा उहदा नाम धर्मी पै जांदा है, इह चंगे कम करदा है, भले कर्म करदा। कदी तुसी सुनिया कदी कि भगत पूरन सिंह नूं किसे ने कहा होवे भी ये बदमाश सीगा, ये बड़ा माड़ा बंदा सीगा? नहीं, सारे संसार विच मशहूर होया कि ये धर्मी बंदा है, ये बंदा जिहड़ा नेक बंदा है, ये दूजियां दा भला करन वाला है। इसे तरह मदर टरेसा दा नाम चमकिया भले काम दे विच, कि ये भले काम करदा है, ये बड़ा चंगा है। जिहड़ा चंगे कर्म करन वाला है संसार उहनूं चंगा ही कहिंदा है, ते निरंकार दी निगाह विच वी उह चंगा हुंदा है। जिहड़ा मंदे काम करदा है उहनूं लोक लाणतां पाउंदे ने, उहनूं फिटकारां पाउंदे ने कि इस बंदे ने चंगा काम नहीं किया, इन्हें मंद करमी की। अज भी हिटलर वर्गियां नूं लोक याद करदे ते लाणतां पाउंदे। गुरु साहिब जी धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे ने भी जिहड़ा भला काम करदा उहदा नाम धर्मी पै जांदा है, उहनूं लोक चंगा आखदे हन, ते पाप कमाणे पापी जाणी है, जिहड़ा पाप करदा है उहनूं लोक पापी कहिंदे ने। आ गंगू ने बुरा कीता, माड़ा काम कीता, माया दे लालच विच आ के कीता, ते उहदा जदों भी नाम लैंदे ने इतिहास बयान करदे आ, ते जिहड़े कथाकार गुरु घर दी कथा दी सेवा निभाउण वाले सिंह उहनूं गंगू पापी ही कहिंदे हन। और जदों गीत लिखे गए उहदे विच वी गंगू पापी ही लिखिया गया। सूबे सरहंद नूं जदों इतिहास वाचदे ने ते उदों ऐटोमैटिक ही हिरदे तो निकलदा भी इह बड़ा वड्डा पापी सीगा, क्योंकि उहने मंदा कर्म कीता, पाप कीता। उहने जिहड़ा पाप करदा है उहनूं पापी ही कहा जांदा है। इत्थे फर्कशियर वर्गे बादशाह जिन्हां दे हुक्म दे नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर दे शरीर नूं जमूरां नाल नोचिया गया, उहदे जिहड़े नाल दे सिंह सन उहनां नूं शहीद कीता गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे छोटे पुत्तर दा छुरा मार के जदों सीना पाड़िया गया ते विचों दिल कढ़िया तड़फदा, क्योंकि कुछ मिनट बंदे दी मौत तो बाद भी दिल जिंदा हुंदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूँह विच पाया गया, कीते ना पाप। ओ सिंघा सिंघणियां नूं याद करिए, उन्हां मातावां नूं जिन्हां दे बच्चियां दे टोटे करके गल दे विच हार पा दित्ते गए सन, बड़ा वड्डा पाप सी कि बच्चा रोंदा चुप नहीं करदा, इहनूं चुप कराओ। ते अगों आवाज़ आई भी सानू ते रोटी नहीं मिली, ते जे रोटी रजवी मिले ते छाती विच दुध आवे, बच्चा दुध पीवे ते रोवे ना। कहिंदे तुहाडे तों नहीं चुप करदा, असीं करा दिंदे। फड़ के जालमां ने बच्चे नूं उपर वल नूं छालिया, आकाश वल नूं,
ते थले वर्षा कर दिता। वो बच्चा वर्षे विच परुच गया, तड़प तड़प के उन्हें प्राण त्यागते, ते एक रस्सी लैके बच्चे दे टुकड़े करके हार दी तरह बना के ते उस माँ दे गल विच पा दिता गया। हुण जिन्होंने ऐसा कुछ किया उन्होंने धर्मी थोड़ी कहा जाएगा, उन्होंने पापी ही कहा जाएगा। होर बड़े तरह के पाप हैं, आपां हुणे जिक्र किया, किसी का हक मारना भी पाप है। कहिंदे जिहड़ा पाप करदा है, जिहड़ा पाप कमाउंदा है, मंदे काम करदा है, वो मंदा ही समझिया जाएगा, वो पापी ही समझिया जाएगा। अगे फिर गुरु अंगद देव जी महाराज कहिंदे, तू आपे खेल करें सब करते, क्या दूजा आख बखानी है। कहिंदे हे प्रभु, ये सारे कौतक तू आप ही कर रहा है, तेथों वखरा होर केड़ा दसीए, जीवां दे अंदर तू आप ही बैठा हो। जीवां दे जेहो जे पिछले कर्म होंदे ना, उन्हां दे संस्कार बन के जीवन विच ऐड होंदे ने, उन जेहो जे संस्कार होण ते उहो जे कर्मां वालों प्रेरदे ने, ते मनुख फिर उहो जे कर्म ही करदा है। ये तां गुरु दी शरण विच आवे, गुरु कृपा करे, ते उहदा जीवन बदल जांदा है। राजे ने आख्या सी, गुरु साहिब जी सिख आके मथा टेकदे ने, ते जेड़ी मंग मंगदे तुसी उहनू कह देंदे भी तेरी पूरी होवेगी। किसी नूं कहिंदे हाँ तैनू पुत्र दी दात दित्ती, किसी नूं कहिंदे हाँ शरीरक तंदुरुस्ती दित्ती, कोई कहिंदा माया देओ, तुसी कहिंदे भी बहुत होवेगी। एक बन्ने कहिंदे भी कर्म भोगने पैंदे ने, ते दूजे बन्ने तुसी दातां दे ही जा रहे हो, ते इस गल नूं मैनू समझाओ। गुरु साहिब जी ने एक मोहर दित्ती, आख्या इहदे अखर पढ़ के दस, ते मोहर दे अखर पुठे हुंदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਝੱਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਚਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤਿਚਰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੈ, ਵਿਣ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛ ਕਰਿਓ ਦਿਖਾ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਣ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛ ਕਰੇ ਹੋ ਦਿਖਾ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ,
पर जदों तेरी जोत नहीं होती उदों कुछ नहीं कर सकता। जिदा हारमोनीयम दे विच हवा भेजिए ते सुरत बाजिए आवाज आउंदी ना, इदा जिथों आपां गल शुरू कीती सी रब सवासां दा पखा मार रहा है। जिदा हारमोनीयम नूं पखा मारिया जांदा ना, हवा भेजी जांदी अंदर, इदा रब सवासां दा पखा मार के साडे अंदर हवा भेजदा है। जदों असीं जोर नाल सवास लैने ते साडी नाभी तक अंदर हवा जांदी, ते जदों ओह पखा मारना बंद कर दिंदा है, जिदा रागी सिंह पखा ही ना मारे, जे इलैक्ट्रॉनिक होवे हारमोनीयम पियानो उन्हों पिछों लाइट पावर ना दिती जावे, पखा वजना नहीं, सुरां दबाई जाओ आवाज़ निकलनी नहीं। तो आप भी इदा ही करते हैं ना, कोई तलियां झसद, कोई पंपंग करता है हार्ड नूं, कोई मूँह च फूकां मारदा है, कहिंदे जिन्नियां मर्जी सुरां दबा लो हुण शरीर रूपी वाजे चों आवाज़ नहीं आउणी, क्योंकि रब ने पखा मारना बंद कर दिता है, हुण इहदे विचों आवाज़ नहीं निकलेगी। जिन्ना चिर उहदी जोत हुंदी अंदर उन्ना चिर ही आवाज़ निकलदी है, जदों उहदी जोत नहीं हुंदी उदों कोई कुछ नहीं कर सकता। अखीरली पंक्ति विच कहिंदे नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुंगड़ सियाणी है, गुरु दी शरण आए मनुख नू हर थां इको ही सियाणा ते सुजान प्रभु ही दिसदा है। हर जगह दिसदा है, जिहड़ा मनमुख है वह वेखदा भी किते कोई बंदा नहीं वेखदा, वह कहिंदा मैनू किहड़ा कोई देखदा, क्योंकि रब ते उहनू दिसदा नहीं, वह कहिंदा मैनू किहड़ा कोई देखदा। जिहड़ा गुरमुख है वह कहिंदा भी रब ते हर थां वेख रहे, वह अगों भी देख रहा है ते तुरे जांदे नूं पिछों भी देख रहे, वह हर थां वेख रहा है, मेरे अंदर बह के वेख रहा है, बाहर वेख रहा है, वह रब ते सदा वेखदा है। मैं किहो जे कर्म कर रहे हैं फिर उहो जे संस्कार बनते ने, उन्हां संस्कारां अनुसार ही वह सुख ते दुख की दात देंदा है, ते मनुख रब दे नाल लांभे दे के लड़दा है, कहिंदा है मैनू तू आ दुख दे दिता, ए पीड़ा दे दिती, हुण है तां उहदी अपने कर्मां दी है। कतक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग, परमेशर ते भुल्लिआं व्यापण सभे रोग। जदों परमेशर नूं ही भुला दिता मन दे पिछे लग के, ते फिर रोग ते पैदा होणे ही ना, रब नूं लांभे क्यों देंदे। ददे दोष ना देऊ किसै, दोष कर्म अपणिआं, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना, मैं क्यों दूजे नूं दोष दवां जदों मेरे अपने कर्मां दी ही मैनूं सज़ा मिली है। पर बंदा किते ना किते आ के इस गल नूं टालदा है, दूजे उत्ते सुटदा है कि नहीं मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो दूजे का कसूर है। जिहड़े गुरमुख ने वह इस गल नूं मनदे ने कि जो असी कर्म करदे हाँ उह जिहा सानूं फल मिलदा है, सो चंगे कर्म करिए, परमात्मा का नाम जपिए, नित नेमी बने रहिए, और अमृत वेले उठ के इशनान करके रब दे नाल सुरत जोड़िए, मूल मंत्र गुरमंत्र का जाप करके, फिर नित नेम बाणियां का पाठ करके, फिर अरदास करिए, फिर दिन दे विच अपना कार विहार, फिर शाम नूं सोध रहिरा साहिब जी का पाठ, सौण तो पहला सोहला साहिब की बाणी पढ़ के सोईए, गुरु रहमत करेगा, जे दुख आवे भी उन्हों सहन की शक्ति देगा, तो दुखा तो सानू बचा के रखेगा, तो सुखा का प्रकाश करेगा। हुईयां भुलां दी खिमा फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।